बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रफ्ताह नासर लीड स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है एलिजे हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वांट्स टू पैक दीज बुक इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक एंड विद नो लेफ्ट ओवर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि अलीज़े के पास 16 जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, वो साइंस की हैं, 28 जो हैं वो रियाजी की हैं और 30 अंग्रेज़ी की किताबें हैं। वो इन सब को बग़ैर मिलाए पूरा पैक करना चाहती है। किताबों की सबसे बड़ी तादाद क्या है जो वो हर पैकेज में डाल सके। तो जब हम ग्रेटेस्ट, यहाँ पर मुझे एक हिंट मिलता है कि जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो उस वक्त हम उसको HCF फाइंड किया जाता है। तो हम इन तीनों का HCF फाइंड करेंगे और हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू जो हर पैकेज में मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इसको किस तरह से हमने स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है वो क्या है। सबसे पहले बुक्स अपने सामने रखें, हम लिख लेते हैं बुक्स जो है उनकी तादाद क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइंस बुक्स, साइंस बुक्स कितनी है जी, 16 है। कितनी है जी, 16 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैथमेटिक्स की बुक्स भी हैं, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं वो कितनी है जी, 28 हैं। नेक्स्ट नंबर ऑफ, अपनी बुक अपने पास रखें ज़रा, फिर आसानी होगी क्वेश्चन को समझने के लिए। नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक हो गया, जो इंग्लिश की बुक्स हैं वो 30 हैं जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं सिंपली तो लिखूँगा टू फाइंड, जो हमने काम करना है टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज वी विल फाइंड। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करते होते हैं, क्या फाइंड करते होते हैं, वी विल फाइंड HCF ऑफ 16, 28 एंड 30, 16, 28 एंड 30, ये तीन नंबर इनका ऐसे फाइंड करना है। तो ऐसे फाइंड करना आता है, हमारे पास क्या तरीका होता है जी, 16 है ये, दो के साथ इसको करना है जी सॉल्व, डिवाइड करना है, 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 1 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ही 28, 2 1 2 2 4 8, फिर 2 7 14, 7 1 7। नेक्स्ट है ये 30, 2 1 2, एक हासिल किया 10 5 2 10, 3 5 15, 5 1 5, ये तीनों का हमने HCF फाइंड कर लिया जी। अब हम देखते हैं जी क्या क्या हमें इसमें रिसीव हुआ है, हासिल हुआ है। सो 16 के फैक्टर कौन कौन से जी, 2 है 4 दफ़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद 28, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट 30, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास है जी, इनके तीनों के फैक्टर्स हमने देख लिए। अब हमने HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर देखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉमन फैक्टर्स ऑफ
ऑफ 16, 28 एंड 30। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखें, इधर भी टू, इधर भी टू, इधर भी टू है, कॉमन लिया जा सकता है। इधर टू, इधर टू, लेकिन इधर टू नहीं है मज़ीद, ये भी नहीं कॉमन। फिर टू की बात करें फिर भी नहीं है, टू इधर नहीं, सेवन फाइव तीनों में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ टू ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा एच सी एफ होगा वो क्या आएगा, सो एच सी एफ इज इक्वल टू टू, ठीक हो गया। तो ये टू हमारे पास आंसर आ गया, तो यही हमने फाइंड करना था। सो शी कैन पैक, शी कैन पैक टू बुक्स, तो मैक्सिमम टू बुक्स पैक कर सकती है फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के वो मैक्सिमम दो जो है ना वो जो है जो बुक्स हैं जो किताबें हैं वो पैक कर सकती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।